बिसमीम् असलकुम आई एम योर टीचर एजाज़ फॉर केमिस्ट्री ग्रेड एट टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर फ़ोर्टी वन इन लेक्चर नंबर फोर्टी वन रिटर्न वर्क हम करेंगे रिटर्न वर्क नंबर सेवन और आज हम डिस्कस करेंगे आज हम राइट करेंगे मास नंबर मास नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही हम लिखेंगे क्लियर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डिफाइन मास नंबर आप इन एलिमेंट गिव एग्जांपल्स अब मास नंबर के आप आंसर की हेडिंग देंगे लेकिन इससे पहले इसके बाद आप माइंड मैप का हेडिंग देंगे यहाँ पे माइंड मैप आपके नोट्स में नहीं है मैं आपको बना के दिखाता हूँ मास नंबर का आप माइंड मैप बनाएंगे माइंड मैप की हेडिंग दे दें मास नंबर का ब्लॉक बना दें सम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय

एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम यहाँ पे सम को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें सिंपली मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट हेडिंग दे दी सेकंड नेम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं न्यूक्लियन न्यूक्लियन को आप हाई करें दियर फॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर मास नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर इट इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास क्लियर अब न्यूक्लियन को आप हाई करें न्यूक्लियन नंबर को आप हाई करें और इसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग दे दें रिप्रेजेंटेशन की इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें अब हेडिंग दे दी फाइंडिंग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को किस तरह फ़ाइंड कर सकते हो अगर आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर का पता हो तो आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकते हो आपको पता है मास नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना चाहते तो यू नो द सम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दैट इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर अब आप इससे प्रोटॉन जो है इसको माइनस करें तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर्स रह जाएगा तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जी इसी तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को नो द एलिमेंटल प्रेजेंटेशन आप किस तरह एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे द सिंबल दैट इज़ एक्स एक्स लिया है एक एलिमेंट कोई सा भी एलिमेंट इसके इस साइड पे टॉप पे आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे और इसके बेस पे आप सॉरी टॉप पे आप एटॉमिक मास लिखेंगे और इसके बेस पे आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे क्लियर यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर है या ये एटॉमिक मास है एटॉमिक मास या मास नंबर और ये एक्स जो है ये आपके साथ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है क्लियर ऊपर टॉप पे आप एटॉमिक मास लिखेंगे या मास नंबर लिखेंगे और बेस पे आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे और आप न्यूट्रॉन नंबर आप न्यूट्रॉन को किस तरह फाइंड करेंगे ए माइनस जी यानी आप एटॉमिक मास से इसको माइनस करेंगे मा, प्रोटॉन नंबर्स को तो आपके पास नंबर आप न्यूट्रॉन आ जाएंगे नो एग्जांपल्स द मास नंबर ऑफ सोडियम इज ट्वेंटी थ्री इट मीन्स इट हैज़ एलेवन प्रोटॉन्स एंड ट्वेल्व न्यूट्रॉन्स आप ट्वेंटी थ्री को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें और इलेवन और ट्वेल्व को आप हाईलाइट करें मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज सिक्सटीन इट हैज़ एट प्रोटॉन्स एंड एट न्यूट्रॉन्स क्लियर नो मास नंबर ऑफ कार्बन दैट इज़ ट्वेल्व इट मीन्स इट हैज़ सिक्स प्रोटॉन्स एंड सिक्स न्यूट्रॉन्स क्वेश्चन जो आंसर uh, uh, जो है ये फिनिश हो गया अब आप फिनिशिंग लाइन ड्रा करें अब आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फाइफ ए अब इसमें क्या है फ़ाइंड आउट द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स सिल्वर डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आप फाइंड करें सिल्वर सोडियम आयरन लेड आर्गन यूरेनियम अब आप आंसर की हेडिंग दे दें क्लियर आंसर की हेडिंग दे दिए अब अलग अलग हम इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे अब सोडियम सिंबल इज़ एन ए आपको पता है एन ए यहाँ पे एलेवन जो है दैट इज एटॉमिक नंबर और ट्वेंटी थ्री दैट इज़ मास नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड दैट इज़ इक्वल टू एलेवन मास नंबर ऑफ सोडियम दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बाई एंड दैट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ऐलेवन बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर तो ये आपके पास ये अलेवन है तो ये भी एलेवन हो नंबर आप इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास एलेवन होंगे ठीक है नो नंबर आप न्यूट्रॉन दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस जी तो ट्वेंटी थ्री तो से एलेवन को माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा ट्वेल्व आएगा नंबर आप न्यूट्रॉन आपके पास क्या आएंगे ट्वेल्व अब सिल्वर को देख ले तो सिल्वर आपके पास इसका मास नंबर वन जीरो सेवन है और फोर्टी सेवन जो है इसका एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर आप सिल्वर दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जी दैट इज इक्वल टू तो फोर्टी सेवन नो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड दैट इज इक्वल टू वन जीरो सेवन अब फोर्टी सेवन से हमें पे क्या पता चलता है कि इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इतनी ही होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्टी सेवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्टी सेवन बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ये दोनों फोर्टी सेवन आएंगे आपके पास अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह पॉइंट करेंगे दैट इज इक्वल टू ए माइनस जी ये मैथमेटिकल फार्मूला है इसके लिए ए आपके पास वन जीरो सेवन है और जी आपके पास फोर्टी सेवन है इस से माइनस कर दे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रान कितने आएंगे सिक्सटी सिल्वर में टोटल कितनी न्यूट्रॉन्स है सिक्सटी अब आयरन सिंबल इज एफ ई फिफ़्टी सिक्स इसका मास नंबर है ट्वेंटी सिक्स इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ़ आयरन दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जी इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स और मास नंबर फिफ्टी सिक्स है अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी आपके साथ ट्वेंटी सिक्स होंगे क्यों क्योंकि ये प्रोटॉन नंबर इस कार्ड एटॉमिक नंबर तो ये ट्वेंटी सिक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ट्वेंटी सिक्स हूँ क्योंकि ये दोनों सेम सेम होते हैं अब नंबर ऑफ़ इज़ इक्वल टू ए माइनस जी तो फिफ्टी सिक्स से ट्वेंटी सिक्स को माइनस करें तो आपके पास थर आपके पास आएंगे थर्टी तो आयरन में कितनी न्यूट्रॉन्स है थर्टी क्लियर ये ऑलरेडी हम आपको प्रैक्टिस इसकी करवा भी चुके हैं अब लेड पी बी टू जीरो सेवन मास नंबर है एटी टू इसका एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है जी से दैट इज़ एटी टू मास नंबर या एटॉमिक मास दैट इज़ टू जीरो सेवन अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितनी होनी चाहिए एटी टू क्योंकि ये प्रोटॉन नंबर्स हैं अब इलेक्ट्रॉन भी एटी टू क्योंकि ये सेम सेम होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जी दैट इज़ टू जीरो सेवन माइनस एटी टू इससे इससे माइनस करें तो आपके पास वन ट्वेंटी फाइव आएंगे वन ट्वेंटी फाइव आपके पास क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ लेड अब आर्गन आर्गन सिंबल इज़ ए आर द एटॉमिक नंबर इज एटीन एंड द मास नंबर इज़ फोर्टी क्लियर अब एटॉमिक नंबर आप अर्गान रिप्रजेंटेड बाई जी दैट इज़ इक्वल टू 18 मास नंबर 40 नंबर ऑफ आप प्रोटॉन्स आपके पास 18 होनी चाहिए क्यों क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के बराबर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास 18 होंगी क्यों क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस जी अब फोटी माइनस एटीन इज़ इक्वल टू ट्वेंटी टू आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं ट्वेंटी टू अर्गान में इलेक्ट्रॉन्स अठारह एटीन प्रोटॉन्स एटीन और न्यूट्रॉन्स ट्वेंटी टू क्लियर अब यूरेनियम यूरेनियम की सिंबल जो है दैट इज़ यू एटॉमिक नंबर इज़ नाइंटी टू एंड मास नंबर इज़ टू थर्टी एट क्लियर नो द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम दैट इज़ जी एंड दैट इज़ इक्वल इक्ल टू नाइन्टी टू नाइन्टी टू इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर दैट इज़ टू थर्टी एट नो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी आपके पास नाइन्टी टू होंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर तो ये नाइन्टी टू होंगे अब इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए क्योंकि दोनों का नंबर बराबर होता है तो नाइन्टी टू प्रोटान नाइन्टी टू इलेक्ट्रॉन्स नाइन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होनी चाहिए दैट इज़ ए माइनस जी फार्मूला है तो ए की वैल्यू क्या है टू थर्टी एट और जी की वैल्यू क्या है नाइन्टी टू अब टू थर्टी एट से नाइन्टी टू को माइनस कर दे तो आपके पास आएगा वन फोर्टी सिक्स डर फोर न्यूट्रॉन हेज़ नाइन्टी टू प्रोटांस नाइन्टी टू इलेक्ट्रॉन्स एंड वन फोर्टी सिक्स न्यूट्रॉस नाइन्टी टू प्रोटांस नाइन्टी टू इलेक्ट्रॉस एंड वन फोर्टी सिक्स न्यूट्रॉन्स अब क्वेश्चन नंबर फाइव बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फाइव बी क्या है कम्प्लीट द फॉलविंग टेबल आपके पास एक टेबल दिया गया है क्वेश्चन नंबर फाइव बी में आप इसको कम्प्लीट करेंगे क्लियर ये क्वेश्चन नंबर फ़ाइव बी एक्सरसाइज आंसर की हेडिंग दे दी अब आप टेबल बनाएं सेम्बल्स एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह की एक टेबल बनाई ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज फाइव बी क्वेश्चन में है यहाँ पे यहाँ पे ये यह मिसिंग है पोटाशियम तो आप लिखेंगे पोटाशियम नाइनटीन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है नाइनटीन है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इसमें नाइनटीन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें नाइनटीन होंगे अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओ सेंबल है एटॉमिक नंबर इसका एट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इस ऐट होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें ऐट होंगे अब पासपोर्स पॉस्पोरस जो है दैट सिंबल इज़ पी एंड द एटॉमिक नंबर इज़ फ़ फ़िफ्टीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन फिफ्टी एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फिफ्टीन नौ कैलियम सिम्बल इज़ सी एल्शियम सिम्बल इज़ सी ए नंबर ऑफ एटामिक नंबर इज़ ट्वेंटी अटामिक नंबर ट्वेंटी है तो नंबर ऑफ़ प्रोटानस भी इसमें ट्वेंटी होंगे और नंबर ऑफ एलक्ट्रॉन भी इसमें ट्वेंटी होंगे नो क्लोरिन दिम्बल इज़ सी एल एटामिक नंबर इज़ सेवेंटीन तो नंबर ऑफ़ प्रोटान्स इज़लो सेवनटीन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ आल्सो सेवनटीन ये टेबल आपके पास कंप्लीट हो गया आप डबल फिनिशिंग लाइन ड्रा करें जितनी भी आपने हेडिंग दी है हेडिंग की डबल अंडरलाइनिंग करें और मैंने आपको पहले कहा है कि जहाँ जहाँ पर मैं कहता हूँ वो 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 वर्ड्स जो है या फिगर जो है जो भी है वो आप हाई लाइट करेंगे क्लियर ब्लैक मार्कर से हाई ज़रूरी है और जिस तरह मैं आपको माइंड माइंड मैप बना के दिखाता हूँ इसी तरह आप क्वेश्चन के साथ माइंड मैप बनाएंगे क्लियर दैट इज़ आल अबाउट योर रिटर्न वर्क नीट एंड क्लीन रिटर्न वर्क होना चाहिए क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करते है. आपका नीट हैंड राइटिंग जो है आपको रिप्रेजेंट करता है तो आप प्रॉपर हेडिंग के साथ ब्लैक और ब्लू मार्कर के साथ आप रिटर्न वर्क अपना करोगे ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है प्रैक्टिस भी हो आपकी और आपकी प्रेजेंटेशन भी साथ साथ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाए जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतनी ही आपके मार्क्स आपके अच्छे आएंगे ठीक है तो लर्निंग के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो